धोखाधड़ी करने के साथ ही ठगी करने वाले आरोपी को भोपाल की साइबर टीम की ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीवनसाथी.com शादी.com पर दोस्ती कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को भोपाल पुलिस की साइबर टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। बता दें कि मैट्रिमोनियल साइट पर शादी.com एवं जीवनसाथी पर प्रोफाइल बनाकर शादी का झांसा देते और दोस्ती करते और फिर दोस्ती करने के बाद शादी वाले रिश्ते से उनसे पैसों की मांग करते, जिसमें वो कई तरीके के बहाने बनाते, जिसमें गंभीर बीमारी, शादी की शॉपिंग की मांग करते हुए पैसे लेते। ऐसा ही मामला भोपाल में एक आया, जिसको लेकर डीएन खरे की पत्नी सरिता खरे द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी पुत्री के लिए लड़के देखने के लिए प्रोफाइल बनाई गई और फिर एक दिन उनके पास अज्ञात नंबर से फ़ोन आया, जिसमें उसने अपना नाम अभिषेक शर्मा बताया और शादी की बात आगे बढ़ाई, जिसके बाद उन्होंने उनकी पुत्री से भी बात की और उनको भरोसे में लेकर लगभग 50,000 रुपये ले लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, जिसमें उसने शादी के काम के लिए कुछ सामान खरीदने की बात कही थी, जिसके बाद में उसका मोबाइल नंबर बंद हो गया और फिर पीड़ित परिवार ने भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच टीम को इसकी सूचना दी, जिसका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की और फिर आरोपी को तुरंत ही सूचना मिलते और सारी चीज़ें की जानकारी होने के बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम दीपक कुमार सिन्हा है और वो 12वीं पास है, साथ में वो रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और वो गाजियाबाद का रहने वाला है। बता दें कि साइबर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा जिस आरोपी को गिरफ्तार किया वो अपनी मैट्रिमोनियल साइट पर जैसे शादी.com जीवनसाथी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाता और प्रोफाइल में अच्छी सैलरी अच्छा पद दिखाकर लड़कियों से दोस्ती करता और फिर लड़कियों से शादी की बात करने के बहाने उनके भरोसे में लेकर उनकी फैमिली से मिलने की बात करता और फिर शादी की खरीदारी या फिर कोई गंभीर बीमारी होने की बात करते हुए उनसे पैसे मांगता। बता देंगे पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसके पास से 3 बैंक की पासबुक, 3 बैंक की चेकबुक, 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 10 ATM कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।